काफ़ी लोग जो है ना मुझे कमेंट करते हैं यार यूट्यूब वीडियोस में कि भाई बाइक डिलीवरी बॉय के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो हमें, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं। सो सबसे पहले यही बोलूँगा कि प्लीज़, आई नो काफ़ी लोग जो है वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता सब्सक्राइब करने का, ना आपको आपको कोई पैसा कटेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक करा करो, कमेंट किया करो अच्छे अच्छे बट ये नहीं कि अब मेरे को जॉब दिला दो, वीजा देख लो, ये सब मत करना। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ देखो कि भाई कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक ये है कि बाइक डिलीवरी का कैसी लाइफ क्या है। मैं आपको बता दूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एक बंदा था बाइक डिलीवरी वाला, तो मैंने उससे कुछ पूछा था तो उसको बोला था कि भाई आप वीडियो में आ जाओ मेरे साथ, वीडियो में थोड़ा सा अगर मैं बताऊंगा तो लोगों को जल्दी से बिलीव नहीं होगा, बट अगर कोई बंदा मेरे साथ बैठा है उसी फील्ड का, उससे मैं पूछूंगा तो लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मुझे बताओ, मैं लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो जो सैलरी है ना वो मिलती है भाई 120 KD के आसपास, 120 KD बोले तो इंडियन करेंसी में 25,000 के आसपास, आप गूगल पे कन्वर्ट करके देख लेना भाई 120 KD टू INR कितना होता है। सही है, 25,000 के आसपास। क्या ये जॉब सही है या नहीं? मेरे अकॉर्डिंगली सही नहीं है। पहली बात तो टाइमिंग, जो शिफ्ट वगैरह है, 8 घंटे बोलते हैं करवाते हैं, 10 10 12 12 घंटे, कुछ कुछ कंपनी में ओवर टाइम देते हैं, कुछ कुछ कंपनी में नहीं देते। अगर मैं गलत हूँ, कोई बंदा देख रहा है कुवैत से, कोई डिलीवरी बॉय में अगर है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, यानी सबसे ऊपर आपका कमेंट आएगा तो लोग पढ़ सकेंगे कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने फील किया है जो इन 4 सालों में जो मैंने देखा है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो उस बंदे ने मुझे बताया है। तो यहाँ पे जो कंपनी, जैसे अपने इंडिया में स्विगी वगैरह होती है, जोमेटो है, तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, एक है कैरेज, तालाबात और डिलीवू, ये 3 मैंने अभी तक देखी हैं। तो कैरेज जो कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, जो तालाबात ने ले चुका है, और तालाबात वालों मैनेजमेंट ने ले लिया है कैरेज वालों को, और कैरेज वाले जो वो जो बंदा था वो कैरेज का ही था, लेकिन कैरेज वालों को सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही थी। अगर आप कैरेज में आ रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ कर आना, देख लेना कि भाई, बिकॉज टाइम टू टाइम सैलरी अभी 1-1.5 महीने तक तो टाइम टू टाइम नहीं मिली थी, अब मिल रही होगी तो वो मुझे नहीं पता। डिलीवरी का भी मुझे नहीं मालूम कि टाइम टू टाइम देते हैं नहीं देते। सो अब बात आती है ये तरह ही सैलरी की, भाई सैलरी मिलती है नहीं मिलती टाइम के अकॉर्डिंगली वो मुझे नहीं मालूम, बट सैलरी है 120 KD, और ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्की जॉब है। वो कैसे है? बिकॉज जैसे अपने इंडिया में रोड्स है ना, यहाँ के रोड्स वैसे नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में तो यार ऑब्वियसली बाइक्स दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे बाइक्स नहीं दिखती इतनी। अब आप बोलोगे भाई अभी आपने तो कल परसों बाइकर्स की एक वीडियो डाली थी विथ राइडर बाइक शो वाला, वो तो एक बाइकर्स का ग्रुप है, वो तो एक मैंने शो हुआ था। तो यहाँ पे जो बाइकर्स का ग्रुप है वो डिफरेंट, मतलब काफ़ी लोग झुंड में जाते हैं, वो भी सिर्फ कभी कभार ही निकलते हैं सर्दियों में, गर्मी में तो वो निकलते नहीं हैं। तो रही जॉब की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात, तो कि यार देखो जो डिलीवरी बॉय की जॉब है ना बहुत बहुत रिस्की है, बिकॉज यहाँ के रोड जो है ना, यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह 99.99% सिर्फ गाड़ियाँ दिखती हैं, और मैंने इतने एक्सीडेंट देखे हैं ना, मतलब यार अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको देखो अवेयर करना चाहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं कुवैत में हूँ, तो मैं नहीं चाहता क्योंकि ऐसा किसी को देखते हैं, आप इतनी दूर आए हो और यहाँ पे खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो। मैं तो यही कहूँगा किसी के साथ कुछ ना हो, अगर आप आते भी तो सब कुछ अच्छे से रहे, आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको ओवर टाइम भी मिले, आप अच्छा पैसा कमाओ अपने घर वालों के लिए। लेकिन जो जितने एक्सीडेंट, वो बंदा कहता है कि हर दूसरे दिन एक ना एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, डिलीवरी बॉय जो बाइक चलाता है खासकर उसका, वो कैरेज वाला बंदा बता रहा था। मैंने कहा अच्छा, और फिर मैंने कहा कि यार कंपनी कुछ देता नहीं है, मतलब कंपनी अगर उसको एक्सीडेंट होता है उसका खर्चा पानी कौन करता है? कह रहा कंपनी कुछ नहीं देती, कोई पैसा नहीं, सब अपने रिस्क पे है, अगर आप आ रहे हो तो सब अपने रिस्क पे आओ, कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देती। अगर आपको कुछ हो जाता है और कुछ नुकसान होगा गाड़ी में, तो कंपनी, तो अगर गाड़ी में कुछ नुकसान होता है वो तो कंपनी देखती है शायद, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। और यही बोलूँगा कि यार इस जॉब में बिल्कुल भी मत आओ, और ना घर के अंदर जो लोग काम करते हैं उस जॉब में ही मत आओ, यानी ड्राइवर के अंदर, जो घरों में ड्राइवर हैं खासकर लाइट ड्राइवर, जैसे घरों के अंदर जो ड्राइवर होते हैं उसमें भी जॉब मत आओ बिल्कुल भी। ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देख लेना अगर आप नए हो चैनल पर। और बाइक डिलीवरी बॉय में भी मत आओ, प्लस में जो लोग घरों में काम करते हैं ना, मेट वगैरह होते हैं, उसमें भी बिल्कुल मत आओ। अगर आते हो प्रॉब्लम में हो कुछ, तो इंडियन एम्बेसी में जाओ, कंप्लेंट करो, इसके ऊपर वीडियोस बना रखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में। और रेगुलरली जो व्लॉग्स जो मैं बनाता हूँ, जो मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, वो तो मैं बनाऊँगा,
और कभी कभी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक ना एक वीडियो डाल दिया करूँगा कुएं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। सो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछ सकते हो।